ये मनुष्य है, ये बहुत बड़ा बदतमीज मंत्री है, बदतमीज मंत्री का विरोध किया, आप बाहर जाइए, आपको देख लूंगा, ये कर लूंगा, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जब से रेल मंत्रालय इसके हाथ में आया है लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ रही है। राजस्थान के नागौर लोकसभा सीट से सांसद हनुमान बेनीवाल की गुरुवार दोपहर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से संसद में तीखी नोकझोंक हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि रेल मंत्री ने हनुमान बेनीवाल को बाहर जाने और देख लेने तक की बात कह डाली और इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आप देखिए कि सदन में हंगामा शुरू कर दिया जो कुछ देर तक चलता रहा और इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने सदन से बाहर आकर मीडिया से बातचीत की और रेल मंत्री के व्यवहार को लेकर कड़े शब्दों में उनकी निंदा की। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं रेल मंत्री का ध्यान राजस्थान के कुछ डिमांडों की तरफ आकर्षित करना चाहता था मगर उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ इशारा करके उन्होंने ये कहा कि आप बाहर जाइए, आपको देख लूंगा। उनका व्यवहार सांसदों के प्रति ठीक नहीं था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब से रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के हाथ में आया है तब से लगातार देश में ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। आज ट्रेन में सफर करने वाले यात्री सो नहीं पाते क्योंकि उन्हें हमेशा ट्रेन एक्सीडेंट का डर लगा रहता है। हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि मैंने यही मुद्दा उठाया था और ये मेरा अधिकार है लेकिन उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, इसीलिए मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कैप्शन में लिखा कि पहले जब रेल की बात आती थी तो यात्री के जहन में सुरक्षा और भरोसा आता था मगर अब लगातार देश में रेल हादसे हो रहे हैं और रेल मंत्री अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि जब आम आदमी ये पूछने लगा है कि जिस टिकट पर हैप्पी जर्नी रेलवे लिखता है क्या वाकई में वो जनता की जर्नी हैप्पी चाहता भी है या नहीं। बेनीवाल ने अपने इस कैप्शन में आगे लिखा कि ट्रेन के सुरक्षित सफर को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं, कहीं ट्रेन हादसे का शिकार तो नहीं हो जाएंगे, ये चिंता आमजन को सताने लगी है क्योंकि यात्रियों के लिए सुरक्षा कवच का वीडियो बनाने वाले मौजूदा रेल मंत्री के कार्यकाल में हर महीने दो पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी पटरी से उतर जा रही है। उन्होंने आगे लिखा कि ट्रेन के बढ़ते हादसों के बाद देश के लोगों में सिस्टम के खिलाफ रोष व्याप्त है। सोशल मीडिया पर रेल मंत्री को रेल मंत्री कहा जा रहा है और मैं रेल मंत्री जी को कुछ राजस्थान की डिमांड की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था और उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, मेरी तरफ इशारे करके कहा आप बाहर जाइए, आपको देख लूंगा, ये कर लूंगा, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और कल भी जब हम इस पर बात कर रहे थे तो उनका जो व्यवहार था वो सांसदों के प्रति ठीक नहीं था, ये बहुत बड़ा बदतमीज मंत्री है। और मैं धन्यवाद दूंगा इंडिया एयरलाइंस के तमाम हमारे इंडिया एयरलाइंस को कि इन्होंने इस बात को लेकर वेल में जोरदार बदतमीज मंत्री का विरोध किया। ये मनुष्य है, जब से रेल मंत्रालय इसके हाथ में आया है लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ रही है और जब कोई व्यक्ति सोता है रेल के अंदर उसको नींद नहीं आती कब रेल पट्टी से उतर जाए, वो इसी विचारों के अंदर रहता है। ये हमने बात रखी थी, आज मेरे कटौती प्रस्ताव चूंकि इस पर दिए हुए हैं और ये हमारा राइट है कि कटौती प्रस्ताव के अंदर हम बोल सकते हैं, उस कटौती प्रस्ताव की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन इसने मेरे साथ बदतमीजी की, ये ठीक नहीं। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें और इंडिया एयरलाइंस ने जोरदार ढंग से इसका विरोध किया और इसका जो वक्तव्य था वो ठीक नहीं था। ये MPs के कागजों का जवाब नहीं देता, MPs को मिलने का टाइम नहीं। सत्ता पक्ष के सांसद भी ज्यादातर खुश थे कि इसका सही इलाज आज रेल मंत्री का हुआ है और इंडिया एयरलाइंस को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज सब लोगों ने मिलकर इस रेल मंत्री का जो गलत वक्तव्य था, जिस तरह गंदा बोल रहा था कैबिनेट मिनिस्टर दूसरी बार का, चूंकि ये जनता के बीच रहने वाले लोग नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स है और दुर्भाग्य से मोदी जी की सरकार को ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र है। दरअसल ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब रेल मंत्री लोको पायलट को लेकर बनाई गई व्यवस्था और रेलवे में किए जा रहे सुधार के बारे में सदन को बता रहे थे। इसी दौरान विपक्षी सांसद ने उन्हें रेल मंत्री कहकर
ताना मारा। ये सुनते ही मंत्री वैष्णव भड़क गए और उन्होंने जवाब देते हुए ये कह दिया कि हम लोग केवल रील बनाने वाले नहीं है, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। उन्होंने आगे कहा कि आपकी तरह केवल रील बनाकर दिखाने वाले लोग नहीं है, चुप बैठो एकदम। और इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा तो रेल मंत्री ने स्पीकर ओम बिरला से ये कह दिया कि आप हाउस को ऑर्डर मिलाई है, जिसके बाद स्पीकर ने रेल मंत्री से कहा कि आप किसी भी व्यक्ति का रिस्पांस मत करो। और इस वक्त का ये जो पूरा वाक्या था, रेल मंत्री का ये बयान और हनुमान बेनीवाल का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।